शुरुआत में हम देखते हैं लूना पुलिस से बचकर भाग रही थी, तभी पुलिस की कार को कोई ट्रक उड़ा देता है और एक दूसरी कार लूना को भी टक्कर मार देती है। लूना को जब होश आता है तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो उसे लिरिम के आदमी यहाँ पर ले आए थे। कुछ देर में लिरिम यहाँ पर आता है। लूना पूछती कि तुम हो कौन। लिरिम कहता है कि ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया है। तुम पैसों के लिए कुछ भी काम करती हो ना, तो एक काम है तुम्हारे लिए जिसके बदले तुम अपनी इस गटर वाली जिंदगी से बाहर जा सकती हो। ये बोलकर उसे तेवल का आईडी कार्ड देता है और बताता है कि ये तुम हो पर दूसरी दुनिया में। इसके पास सब कुछ है, अपनी फैमिली, दोस्त, अपना घर, फैमिली, दोस्त और एक रिस्पेक्टफुल जॉब। अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो तुम्हें ये सब मिल सकता है और वहाँ तुम अपना इलाज भी कर सकती हो जिससे हो सके तुम बच जाओ। पहले लूना को तो इन सब बातों में बिलीव नहीं हुआ था, पर फिर उसे प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती है जब उसने पूछा था कि क्या तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर है जिससे मैं मिली थी। इससे लूना को लिरिम की बातों पर बिलीव हो जाता है और वो उसका काम करने के लिए मान जाती है। इधर हमें प्रिंस बोयोंग का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ उनकी फैमिली के साथ लिगोन भी काफी ज्यादा सैड था, क्योंकि लिगोन के मॉम डैड के डेथ के बाद प्रिंस बोयोंग और दायमा ही उसकी फैमिली थे जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कू के घर पे एक पार्सल आता है, इसमें उसे लिरिम की फोटोज मिल जाती है जो कि न्यू ईयर वाली रात लिरिम और लिगोन जब आमने सामने थे उस टाइम की थी, और ये फोटोज इसे उसके एक्स हस्बैंड के सेक्रेटरी ने भेजा था, जिससे प्राइम मिनिस्टर को बिलीव हो जाता है कि उसकी मॉम ने जो कहा था कि उन्होंने लिरिम को देखा है वो सच है और गद्दार लिरिम जिंदा है। ये जानकर वो तो शॉक्ड रह जाती है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में अपनी रूममेट को मारने वाली लड़की को लिरिम का ड्राइवर मार देता है और इसे सुसाइड दिखा देता है, क्योंकि जेल के अंदर भी लिरिम के कई सारे आदमी थे। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में प्रिंस बोयोंग के गुजरने के बाद दायमा और लिगोन दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे। इसी बीच लिगोन एक दिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया गया और तेउल को वो फ्लावर्स देकर वापस चला गया। तो उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, तेउल उसे काफी मिस करती है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को बिजी रखती है। वो शिंजी को लिगोन और लिरिम की पूरी स्टोरी बताती है। लिरिम ही इन सबके पीछे है, वही एक दुनिया के लोगों को दूसरी दुनिया में रिप्लेस कर रहा है और शायद उसी ने तुम्हें भी बचपन में यहाँ लाया था। अब प्रिंस बोयोंग का बेटा सियोंगजंग रॉयल कोर्ट में उनकी जगह लेना चाहता था, पर लिगोन उसे साफ कह देता है कि किंगडम ऑफ कोरिया में आप कभी नहीं आ सकते। प्रिंस बोयोंग की मेमोरियल सर्विस पूरा करिए और वापस लौट जाइए, क्योंकि मेरे बाद आपकी बहन सेजिन राजगद्दी पे बैठेगी। इस पे सियोंगजंग तो उस पे भड़कने ही लग गया था, पर तभी रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें लिगोन ऑर्डर देता है कि मेमोरियल सर्विस के आखिरी दिन सियोंगजंग को वापस से अब्रॉड भेज दिया जाए। इसके बाद लिगोन को प्रिंस बोयोंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलती है, इसमें डॉक्टर बताते हैं कि प्रिंस बोयोंग को गला दबाकर मारा गया है और जो रॉयल गार्ड्स उनके महल के बाहर प्रोटेक्शन के लिए थे उन्हें तलवार से मारा गया है, जिससे लिगोन समझ जाता है कि ये लिरिम का काम है। इसीलिए लिगोन प्रतिज्ञा करता है कि वो अब लिरिम को मार के ही रहेगा, पर तभी टाइम फिर से रुक जाता है। लिगोन गुस्से में जाने लगता है, पर महल के बाहर जाने के रास्ते में टाइम नॉर्मल हो जाता है और इस बार टाइम पिछली बार के डबल देर तक रुक गया था। लिगोन समझ ही रहा था इसके बारे में कि तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि प्रिंस बोयोंग की मौत की वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो गए हैं और उनकी मौत को फिर से लोग लिरिम से कनेक्ट कर रहे हैं। लिगोन समझ जाता है कि ये सब प्राइम मिनिस्टर का काम है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करवाता है और सेक्रेटरी को पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर तो बीमार है और वो अपने प्राइवेट रेसिडेंस में रेस्ट कर रही है। इन सारी चीजों का जवाब उसे मीडिया में देना चाहिए था, पर क्योंकि उसने अब बीमारी का बहाना कर दिया है तो अब इन सब की जिम्मेदारी लिगोन को संभालनी पड़ेगी। पर लिगोन अपने सेक्रेटरी मिसेस मो को इस मैटर को हैंडल करने के लिए कह देता है और रॉयल गार्ड के वाइस कैप्टन को प्रिंस बोयोंग के पिछले 6 महीने के डेली लॉग्स लाने के लिए कहता है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम का ड्राइवर फिर से शिंजे को फॉलो कर रहा था, मगर इस बार शिंजे उसे पकड़ लेता है। दोनों की फाइट चल रही होती है, ड्राइवर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं मिला है। शिंजे पूछते कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है। तभी ड्राइवर उसे एक फोन निकाल के देता है, कहता है कि वो तुम्हें फोन करेगा। इतने में एक गाड़ी आ जाती है जो शिंजे को हिट करने वाली होती है, पर शिंजे हट जाता है, उसी गाड़ी में ड्राइवर बैठ कर निकल जाता है। अब फाइट में शिंजे के हाथ में चोट आई थी, इस हाल में पुलिस स्टेशन पहुंचते ही तेल उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जो तेल को बताता है कि जो मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहा था उसने मुझे एक फोन दिया और कहा कि कोई तुम्हें कॉल करेगा, और ये वही फोन था जैसा इन्हें इनके पहले मर्डर केस के विक्टिम के पास मिले थे। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगोन प्रिंस बोयोंग के डेली लॉग्स चेक कर रहा था, जहां प्रिंस बोयोंग पहली बार किसी स्लम्स में गए थे और वहाँ किसी ईसो बुक स्टोर में गए थे। इसके बारे में लिगोन ने कभी नहीं सुना था, तो वो गार्ड को इस ईसो बुक स्टोर के बारे में पता करने के लिए कहता है और फिर काल कोठरी में बंद लिरिम के साथियों से पूछने जाता है कि आखिर यहाँ लिरिम का अड्डा कहाँ पे है। अस्तबल वाले को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर लिरिम के दूसरे गद्दार साथी को पता था, लेकिन वो मर जाएगा तब भी नहीं बताएगा कहता है, क्योंकि वो लिरिम का कट्टर फॉलोअर था। तो लिगोन उसका सर कलम कराने का ऑर्डर दे देता है। इस पे वो कहता है कि किंगडम ऑफ कोरिया में सर कलम कराना 62 साल पहले ही बंद हो चुका है, इसलिए आप मेरा सर कलम नहीं करा सकते। लिगोन कहता है कि अगर तुम इतना जानते हैं तो तुम्हें ये भी पता होगा कि राजद्रोह के लिए राजा का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, इसीलिए मैं तुम्हारा सर कलम कराने का ऑर्डर देता हूँ। तो ये बात किंगडम ऑफ कोरिया में अनाउंस की जाती है, 62 साल बाद पहली बार गद्दार लिरिम के एक फॉलोअर को मौत की सजा मिली है जिसका सर कलम कर दिया जाएगा। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब तेउल लिगोन की यादों में खोई होती है, तभी वो सामने से प्राइम मिनिस्टर कू जैसी दिखने वाली लड़की को इधर आते हुए देखती है, तो वो उससे बात करने जाती है और उसे उसका आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है और बताती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ये लड़की कहती है कि देखकर तो नहीं लगता,
तो तेउल अपना आईडी दिखाती है, तो ये लड़की अपना कार्ड दिखाती है जिसका नाम था कु यूना। तो उसे चेक करने के बाद तेउल उसे जाने देती है, पर ये यूना को फॉलो भी करती है ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। पर तभी तेउल के डैड उसे कॉल करके बुला लेते हैं, जिसके बाद हम लूना को देखते हैं जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ गई थी। उसने तेउल के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था क्योंकि उसने काफी दिनों से तेउल को फॉलो किया है, और अब वो फाइनली तेउल की तरह ड्रेसअप हो जाती है, अपने बाल वगैरह सब कुछ तेउल की तरह कर लेती है। अगले दिन जब तेउल अपने टाइगोंडो क्लब में अकेले प्रैक्टिस कर रही थी, तब वो एक बोतल का पानी पीते ही बेहोश हो जाती है। इधर नारी की शॉप में एक लड़की आती है जो कि बिल्कुल किंगडम ऑफ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर की तरह ही ड्रेसअप थी। अब ये प्राइम मिनिस्टर थी या फिर प्राइम मिनिस्टर की हमशक्ल, यहाँ ये तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन तभी शॉप में जोयोंग आ जाता है, और तभी ये दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते रह जाते हैं। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लिगोन टाइम स्टॉप के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब तक जितनी बार भी टाइम स्टॉप हुआ है, हर बार टाइम स्टॉप होने का ड्यूरेशन बढ़ता ही गया है, जो एक पैटर्न में बढ़ रहा था। अब लिगोन ने क्योंकि हर बार काउंट किया था कि दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलते ही टाइम कितनी देर के लिए रुकता है, तो वो इस टाइम रुकने के पैटर्न को समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब 62वीं बार दूसरी दुनिया के पोर्टल को खुला जाएगा उस टाइम पूरे एक दिन के लिए टाइम रुक जाएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमेशा के लिए ये दुनिया रुक जाएगी। तभी वाइस कैप्टन लिगोन को आकर इसो बुक स्टोर की डिटेल बताता है, और उसके ओनर का फोटो भी देता है, जिसे देख लिगोन हैरान रह जाता है, क्योंकि उस शॉप का ओनर वही गद्दार था जो लिरिम के साथ राजद्रोह में शामिल था, और इसी ने लिगोन पर गन तानी थी। पर लिगोन को याद आता है कि इसे तो उस मास्क मैन ने कंधे पर गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया। इसीलिए लिगोन अपनी रॉयल गार्ड्स को लेकर इसो बुक स्टोर में अटैक कर देता है, जहां गोलीबारी में इसकी मौत हो जाती है। लिगोन उसके कंधे पर चेक करने के लिए कहता है, लेकिन उसके कंधे पर कोई भी गोली लगने का पुराना निशान नहीं था, जिससे लिगोन समझ जाता है कि ये उस गद्दार का हमशक्ल है जिसको लिरिम ने यहाँ पे रखा था। इधर तेउल को जब होश आता है, तो वो अपने आप को एक बड़े से गोडाउन में पाती है, जहाँ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह में टेप लगा हुआ था। वो सामने कुछ आदमियों को देखती है जिनके पास गन्स और कार की चाबी होती है, पर तभी वो गेट के बाहर किसी को देख पाती है, जो कि वही मिस्टीरियस बच्चा होता है जो उसे इसो बुक स्टोर के बाहर बैठा होता था, और वो तेउल से भी उसकी दुनिया में मिला था, क्योंकि इसी का धक्का लगने की वजह से तेउल का पुराना आईडी कार्ड खोया था। तेउल का अभी भी सर भारी लग रहा था, पर कुछ टाइम बाद जब ये गुंडे बाहर होते हैं, तब ये बच्चा अचानक से अंदर आ जाता है और तेउल के हाथ पैर खोल देता है। तेउल पूछती कि तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए, फिर उसे याद आता है कि इस बच्चे से तो वो पहले भी मिली है। तो तेउल उसे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत खतरा है। तो ये बच्चा कहता है कि मैं हर जगह हूँ, मैं लोगों को खतरे का आभास कराता हूँ और बुरे लोगों को हराता हूँ। अब तेउल ने उन गुंडों को बात करते हुए सुना था कि ये किंगडम ऑफ कोरिया है, तो वो इस बच्चे से पूछते कि क्या तुम इस दुनिया में भी हो। इस पे ये बच्चा कहता कि मैं एक ही हूँ, मैं ही तुम्हारी दुनिया गया था। तेउल को समझ नहीं आता, तो ये बच्चा कहता है कि यहाँ बहुत बुरे लोग हैं, इसीलिए मैं सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुन तेउल उसे चौकिंगली पूछते कि तुम हो कौन। इससे पहले ये बच्चा कुछ बताता, गुंडे अंदर आ जाते हैं, तो तेउल उस बच्चे के हाथ से चाकू ले लेती है और उन गुंडों को मार के उनकी गन ले लेती है। बच्चे को अपने पीछे छुपाकर वो उन गुंडों को मार देती है, पर बच्चे को बुलाने के लिए जब वो पीछे देखती है, पर तब तक वो बच्चा गायब हो गया था। इसीलिए तेउल एक गुंडे के पॉकेट से चाबी निकाल कर बाहर खड़ी एक कार लेकर चली जाती है, पर गोलियों की आवाज सुनकर दूसरे गुंडे जो बाहर दूसरी साइड थे, वो लोग तेउल के पीछे पड़ जाते हैं। तेउल फुल स्पीड में कार भगाती है, रास्ते में रॉयल पैलेस का साइन बोर्ड देखती है, तो वो तेजी से भगाने लग जाती है, पर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो किंगडम ऑफ कोरिया में कैसे पहुंची। तेउल गुंडों की कार को चकमा देकर आगे निकल जाती है। इसे लिरिम भी किंगडम ऑफ कोरिया में आ गया था। उसे जैसे ही पता चला कि तेउल भाग गई है, वो समझ गया कि तेउल रॉयल पैलेस की ओर जा रही होगी, इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को तेउल के पीछे लगा देता है और कहता है कि वो लड़की मुझे किसी भी हाल में वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। रॉयल पैलेस तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए। महल से कुछ किलोमीटर दूर तेउल की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए तेउल भागते हुए जाने लगती है, इससे वो तो काफी ज्यादा थक जाती है। तभी वो अपने सामने एक पब्लिक फोन बूथ देखती है, उसे रॉयल कोर्ट का नंबर याद था, इसीलिए वो कॉल लगाती है। इसमें वो बताती है कि लिगोन मैं तेउल हूँ, पता नहीं मैं किंगडम ऑफ कोरिया में कैसे पहुंच गई, कुछ लोगों ने मेरा किडनैप किया था और वो लोग अभी मेरे पीछे पड़े हैं। इतने में एक ट्रक आकर फोन बूथ को उड़ा देता है, इससे तेउल जमीन पे साइड में गिरी होती है। ड्राइवर उसे चेक करने आता है, पर तेउल चाकू से उसे मार डालती है, पर तेउल को काफी चोट लग गई थी, इसलिए वो ज्यादा जल्दी चल नहीं पा रही थी। तभी वो सामने देखती है बहुत सारे लोग उसकी ओर भाग कर आ रहे हैं, जो सब लिरिम के आदमी थे। तो तेउल उनकी ओर गन पॉइंट कर देती है, उसके गन में बस 3 गोली बाकी थी। लेकिन तभी आसमान में रॉयल कमांडो उसका हेलीकॉप्टर आ जाता है और तेउल की दूसरी ओर स्वेट आर्मी आ जाते हैं, और तभी लिरिम के आदमियों के पीछे साइड से ही लिगोन अपने रॉयल गार्ड्स के साथ एंट्री मारता है, जो उन्हें कहता है कि तुम सभी को उसे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो तुम सबकी होने वाली महारानी है। इसके बाद तो लिगोन अपनी 4 टाइगर स्वॉर्ड निकालता है और एक एक करके सभी को मारता काटता हुआ तेउल की ओर आने लगता है। तेउल उसे देखकर काफी इमोशनल होती है, तो लिगोन उन सबको मारकर तेउल को आकर गले लगा लेता है, और इसी के साथ पार्ट 12 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो 2 सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।